हाँ दोस्तों, तो मोदक के लिए मैं घर पर 2 लीटर दूध का मैं खोआ तैयार की हूँ और इसको तैयार करके रखती हूँ। ये आपको वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। तो ये प्रसाद के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो मोदक आप लोग बहुत तरह के बना रहे हैं या सब कोई बना रहा है, तो उसी तरह से मैं भी आप लोग के बता रही हूँ कि स्पेशली खोआ का है। तो इसको अच्छी तरह से पहले मसल देते हैं थोड़ा इस तरह से। हर घर में गणपति बापा के आवाज़ गूंज रहा है दोस्तों, और बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खुशी मिल रहा है, प्रसाद बनाने में भी मज़ा आ रहा है और आरती करने में भी। तो इस तरह से हर घर में पूजा होना चाहिए गणपति बापा को। तो एक खोवा के मैं स्पेशल प्रसादी बना रही हूँ भोग लगाने के लिए। आप लोग भगवान के डेली भोग लगा रहे हैं और कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे पता नहीं दोस्तों। जहाँ से भी देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो सावित्री सिन्हा किचन के फुल वीडियो देखिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि मुझे सपोर्ट करें। और इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना दोस्त में शेयर भी करिए। तब तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। ये मसल दिए हैं, अब इसको मसल करके देखिए एक आटा की तरह ये डो बन गया। और मोदक में डेकोरेट करने के लिए ये अड़हुल का फूल लिए हैं। ये फूल ब्लड कम होने पर खाया जाता है डेली 4-5 खाली पेटे। आप खाइएगा तो ब्लड बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इसको इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं कि इसको साथ में खाएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं रहेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से इसको पत्तियाँ को तोड़ के छोटा छोटा बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से सांचा लिए हैं मोदक बनाने के लिए। ये 4 वाला है, एक साथ 4 गो निकलेगा इस तरह से। अगर आपको पास ना है सांचा तो हाथ से भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें डिजाइन करने के लिए सबसे पहले एगो हम इसमें इस तरह से डाल देंगे, फूल के कली सब में डालेंगे इस तरह से, एक एक करके इस तरह से। और एक तरफ हम डालेंगे, इस तरफ हम डालेंगे केसर। आपको कुछ डिजाइन बनाना है तो इस तरह से ये देखिए केसर के धागा डालते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। अब थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे इस तरह से और इसमें रखेंगे इस तरह से। इसे काटेंगे, जितना ही में साइज आएगा अपना ले लेगा। तो सभी में भर देते हैं इस तरह से। एक साइड से इस तरह से भर दिए हैं, दिख रहा है ना आपको वीडियो में दोस्तों। अब फिर इस साइड ऐसे करते हैं इस तरह से। अब इसमें भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मावा को रखेंगे इस तरह से। एकदम ही घर का बनाया हुआ शुद्ध गणेश गणेश भगवान के लिए है ये प्रसाद। तो आप लोग भी इस तरह से पूजा आराधना करिए घर में और खुशियाँ लाइए। ज़्यादा महाराष्ट्र में इनका पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर गली में महाराष्ट्र में गुंजरा भी इस तरह से इसको बंद करते हैं। इसको कैसे चाप देंगे ऐसे और बाकी का इसको इस तरह से निकाल देंगे।
इसमें कोई फूड कलर कोई कलर नहीं डाले हैं, आपको एकदम सिंपल दिखा रहे हैं और एकदम शुद्ध। खोलेंगे इसे, इस तरह से सभी को निकाल लेते हैं और अबर में एक आलमंड बादाम डालते हैं ड्राई फ्रूट, इस तरह से, इसी तरह से लगाना है सब में। सब में इस तरह से फिर इसमें पैक कर दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसमें मिश्रण को डालेंगे और फिर उसी तरह से दबा दबा करके इसको सेप देंगे। अब फिर इस तरह से इसको छाप देंगे, जितने कस के इसको दबाइएगा ना तो बाइंडिंग अच्छा होगा अंदर में, इस तरह से। इस तरह से दबा दबा के इस तरह से इसको भी निकालेंगे। और एक आप लोग के बड़ा वाला को इस तरह से बना के दिखा रहे हैं, इस तरह से इस तरह से, कितना प्यारा लग रहा है। आस्ते आस्ते निकालना है क्योंकि खोवा है प्योर, भर भरा जा रहा है इसमें, जड़ा भी कोई मिलावट नहीं है। तो सारा मोदक बना लिए हैं दोस्तों, देखिए आप लोग के कैसा लग रहा है मेरा बनाया हुआ मोदक गणपति बापा के लिए भोग प्रसाद। तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस तरह से गणपति बापा के लिए भोग लगाएं और हम लोग भी आज लगाने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हाँ तो लीजिए दोस्तों, मेरा फीक फेट दीजिए और गणपति बापा के लिए प्रसाद तैयार है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गणपति बापा, मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या।